इनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, अब आप ही कुछ कीजिए। इनकी जिंदगी अब आपके हाथों में है। जितनी कोशिशें करनी चाहिए थी मैंने कर ली। इसके आगे जो करना है वो मैंने, अल्लाह ताला कर सकता है। अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तुम जैसी औलाद होने से तो अच्छा होता कि मैं भी औलाद होती। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तुम्हारे अब्बू का अगर कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अम्मी, इसमें गलती सिर्फ बाजी की नहीं है, ताहा की भी है। आखिर वो बाजी से मिलने की कोशिश क्यों करता है? आज अब्बू की इस हालत की जिम्मेदार ताहा और उसके घर वाले भी हैं। आप उनसे कहिए कि रिदा और ताहा की मुलाकातों का सिलसिला बंद करवा दे। तुम ठीक कह रही हो निजा। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? बाजी, मैंने जो किया सही किया, क्योंकि अब्बू नहीं चाहते कि तुम ताहा से मिलो। अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। आप यहां? तुम्हारी अम्मी कहां है? आइए। आप कहां है? आपका बेटा क्यों? आपको उससे क्या काम पड़ गया? काम? आज मेरे शौहर जिंदगी और मौत की दो राहों पर खड़े हैं। तो इससे मेरे बेटे का क्या वास्ता? वास्ता? सिर्फ वास्ता ही नहीं, इसके लिए पूरा जिम्मेदार वही है। ना वो रिदा से मिलता और ना ही उन्हें अटैक आता। देखिए, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है ये सुनकर मुझे सख्त अफसोस हुआ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ कहने से पहले आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए। अगर वो मना कर देती तो ताहा उससे मिलने हरगिज ना जाता। जो लड़का मेरे घर पर आ सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देखिए, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो अल्लाह ताला को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। कागज की कश्ती पर सवार होकर कोई साहिल तक नहीं पहुंच सकता। कमजोरी आपकी बेटी में है, पहले आप उसे काबू में करने की कोशिश कीजिए। खामोश! मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी अम्मी से बात कर रही हूं। और जब दो बड़े आपस में बात करते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, यही अच्छे खानदान की निशानी है। देखिए, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी हमारा तो लड़का है पर आपकी लड़की, हमसे ज्यादा बदनामी तो आपकी होगी। अच्छा, तब कहना क्या चाहती हैं कि आपके बेटे ने जो भी किया अच्छा किया? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ताहा आपकी बेटी से कभी नहीं मिलेगा, मगर आपको भी अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप अपने बेटे को रोक लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। रही रिदा की बात, तो उसे क्या करना है ये सोचना मेरा काम है, समझिए आप। अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। तुम्हें दुनिया में कौन सी चीज सबसे ज्यादा अजीज है? अम्मी, आपने अचानक सवाल मुझसे क्यों पूछा? पहले तुम जवाब दो। अम्मी, ऑब्वियसली आप, अब्बू,
घर के सारे लोग। ठीक है, तब तो तुम ये हरगिज नहीं चाहोगे कि तुम्हारी वजह से हमें कोई तकलीफ हो। हरगिज नहीं अम्मी। तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम रिदा से कभी नहीं मिलोगे। लेकिन अम्मी, तुम रिदा से मिलने गए थे जी, उसने मुझे बुलाया था। लेकिन आपको ये किस पता लगा? रिदा की अम्मी आई थी, उन्होंने बताया है रिदा के अब्बू को हार्ट अटैक आया है। क्या? हाँ, और इसके लिए वो तुम्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। देखो ताहा, अगर रिदा ने कोई गलती की है तो तुम भी उसमें बराबर के हिस्सेदार हो। भाईजान, आज अम्मी को आपकी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ी, और वो भी अपने ही घर में। मैं तो उनकी उम्र का लिहाज करके चुप हो गई, वरना। ताहा, अब तुम बच्चे नहीं हो कि तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी। हारिस की मौत के बाद तुम्हारे अब्बू वैसे ही बहुत कमजोर हो गए हैं, और अब तुम्हारी गलतियों की वजह से तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। घर में दो जवान बहनें हैं, अगर बाहर कुछ गलत बात हो गई तो उनके लिए रिश्ते भी आने बंद हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद रिदा से मिलने की कोशिश मत करना। और उसमें ऐसे भी क्या खास बात है जो आप इतने दीवाने हैं उसके? मंतशा, तुम चुप रहो। ताहा, मुझे तुमसे इतना ही कहना था, मेरी बातों पर गौर करना। अब तुम जा सकते हो। अम्मी, मुझे नहीं लगता भाईजान को आपकी बातें समझ आएंगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो मुझे समझाने का तरीका भी आता है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? मैं और रिदा बात कर रहे थे, उसके अब्बू आ गए। और उन्होंने आप दोनों को साथ में देख लिया? जी हाँ, और गुस्से में रिदा को घसीटते हुए ले गए। ये तो बहुत गलत हुआ। भाभी जान, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या? जी हाँ, शायद वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे लगता है जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गलती आपके अकेले की नहीं थी, रिदा ने खुद आपको बुलाया था मिलने के लिए। तो फिर देखा जाए तो गलती रिदा की थी ना। रिदा की अम्मी भी आई थी, पता नहीं उन्होंने अम्मी जान को क्या क्या कह डाला। प्यार के रास्ते में मुश्किलें आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप रिदा से मिल नहीं सकते, और रिदा को हासिल भी करना है ना आपको। इस वाक्य के बाद वो मुझे क्या मिलेगी? हासिल करना तो दूर की बात है। तो फिर आपने उन्हें जैसे दोस्ती क्यों की? इसलिए ना कि आप रिदा के बारे में हर बात पता कर सके, रिदा के करीब महसूस कर सके अपने आप को। उनीजा से दोस्ती तब तक बनाए रखना जब तक रिदा आपको पूरी तरह से हासिल नहीं हो जाती, और ऐसा होगा, जरूर होगा। भाभी जान, आपकी ये जो बातें हैं ना, ये मुझे टूटने से बचाती है। यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छी हैं। रिदा से कम ना। क्या भाभी जान, आप भी। तो कब जा रहे हो मिलने उनीजा से? आज ही, इसी वक्त। अम्मी से बच के जाना, उनकी नजर इस घर के हर तौर पर है। आप बेफिक्र रहिएगा। एंड विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बाय। कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मी जान, एक जरूरी काम के सिलसिले में जरा बाहर जा रहा हूँ। बैठो। जी। क्या हम जान सकते हैं कि आपका वो जरूरी काम क्या है? अमीन, दरअसल मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। फरदीन, दोस्त से मुलाकात तुम कभी भी कर सकते हो, पहले मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी है। जी फरमाइए। रिदा के अबूजान हॉस्पिटल में एडमिट हैं,
उन्हें हार्ट अटैक आया है। अम्मी जान, तो फिर आपको वहां जाना चाहिए था। बेटा, जानकर भी अनजान मत बनो। तुम जानते हो हम कितने मसरूफ हैं। बिजनेस में हमें एक पल का वक्त नहीं मिलता, इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी आयदत के लिए तुम चले जाओ। उनको तसल्ली दो और अफसोस जाहिर करो। लेकिन अम्मी, मैं तो... लेकिन क्या? अम्मी जान, आप तो मेरे मिजाज को अच्छी तरह से जानती हैं। किसी भी नई जगह जाने में मुझे शर्म सी आती है। बेटे, वहां तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और शादी के बाद वहां आना जाना तो तुम्हारा लगा ही रहेगा, तो शर्म किस बात की? और वैसे भी किसी के गम और परेशानी में शामिल होना हर इंसान का फर्ज बनता है, इसलिए पहली फुर्सत में तुम वहां चले जाओ। ठीक है अम्मीजान, अब तुम जा सकते हो। जी। ताहा? जी अम्मी। जरा इधर आओ। जी अम्मी। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी से मिलने जाना है। तुम प्रोजेक्ट में कब से दिलचस्पी लेने लगे? अम्मी, अब्बू की सारी जिम्मेदारियां मुझे तो उठानी है। ओह, तो तुम जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहे हो। कब तक वापस आओगे? एक दो घंटे में। ठीक है, तुम्हारे अब्बू के लौटने से पहले वापस आ जाना। जी, चलो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आदाब। बैठिए। लगता है आप बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। नहीं, बस अभी आया। और अगर तुम्हारे लिए थोड़ा इंतजार कर भी लिया तो क्या हुआ? आप और आपकी बातें दोनों ही दिलचस्प हैं। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए, अब्बू की तबीयत कैसी है? तबीयत में कुछ सुधार आया? डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक आईसीयू में ही है। अम्मी तो दिन रात हॉस्पिटल में ही रहती हैं। मुझे तो लगता है कहीं वो अपनी तबीयत खराब ना कर ले। तुम्हारे अब्बू की जो भी हालत हुई है उसकी जिम्मेदार रिदा है ना। वो मुझे फोन करके बुलाती ना, मैं उससे मिलने जाता ना, तुम्हारे अब्बू हम दोनों को एक साथ देखते और ना ही उनकी तबीयत खराब होती। रिदा को किसी चीज का ख्याल ही नहीं है, तुम उसे कुछ समझाते क्यों नहीं? बाजी मुझसे बड़ी है, मैं उन्हें कैसे समझा सकती हूँ? तुम्हारे अब्बू की जो हालत है कुछ हद तक उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। मुझे रिदा से मिलने नहीं जाना चाहिए था। जब बाजी को इसकी परवाह नहीं तो उसमें आपकी क्या गलती है? बस मैं तो खुदा से ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारे अब्बू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आमीन। समामी। उनेजा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? भला मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अब्बू... ऐसा कभी सोचना भी नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अल्लाह का शुक्र है कि आपको मुझ पे भरोसा है। बस मैं यही जानने के लिए बेचैन था कि आप मुझे गलत ना समझें। ऐसा कभी मत सोचना। खैर, ये बताओ क्या ऑर्डर करें? जो आप चाहें। जो कुछ भी मैंने चाहा ऊपर वाले ने कभी पूरा नहीं किया, इसलिए आप ही ऑर्डर कर लीजिए। आपकी चाहत में मेरी चाहत है। ताहा, आपकी बातें सुनकर मुझे खुद पर यकीन ही नहीं आता कि मैं इतनी जल्दी आपके करीब आ गई। बस मुझे इस बात का डर है कि दुनिया वालों के डर से कहीं तुम अपनी सोच ना बदल लो। ताहा, अब दुनिया बदल जाए लेकिन उनेजा की सोच नहीं बदल सकती। हेलो। हेलो अबीर, क्या ये कुछ पता चला? पता तो चला, लेकिन जिस शख्स की हमें तलाश है उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाया। कौन आदमी? हारिस का कोई दोस्त हैदराबाद से, वो ही शायद इस मामले में हमारी मदद कर सके। अगर ऐसी बात है तो उस आदमी की फौरन तलाश कीजिए। एक बार उसका एड्रेस पता चल जाए ना, फिर उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मैं तो अभी घर से ज्यादा निकल नहीं सकती,
क्योंकि अम्मी अभी तक मुझ पर शक करती है और दूसरे लोगों का भरोसा मैं खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, कुछ भी पता चली तो मुझे फौरन फोन कीजिएगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाने के दांत और दिखाने के और हमेशा मुझे गलत साबित करने की कोशिश करती है, मगर अब मुझे यकीन हो गया कि तेरे कितने रंग हैं अबीर। एक दिन तेरी सच्चाई मैं सबके सामने लाकर आऊंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, आप यहाँ? जी मैं वो मुस्तफा साहब की खैरियत पूछने आया। खैरियत पूछने आए हैं या मजाक उड़ाने आए हैं? खुदा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मैं तो सिर्फ अपना इंसानी फर्ज अदा करने आया हूं, ना कि किसी का मजाक उड़ाने। अगर आपको इंसानी फर्ज का इतना ही इल्म होता तो आप हमारे साथ इस तरह धोखा नहीं करते, रिदा की जिंदगी बर्बाद करने की नहीं सोचते। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। मेरे हारिस का निकाह हो गया था, इस बात का मुझे जरा भी इल्म नहीं था। और जब पता चला तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। आपकी एक गलती रिदा की जिंदगी में जहर घोल सकती थी, वो कहीं की नहीं रहती। मैं यहां पुराने जख्म कुरेदने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ इनकी खैरियत पूछने आया हूं। तो आप खैरियत पूछने आइए, आइए देखिए अपनी आंखों से, देखिए इनका क्या हाल है। न ये बोल सकते हैं, न ये सुन सकते हैं और न ये अपनी जगह से हिल सकते हैं, और ये सब सिर्फ आपके बेटे तहा की वजह से। और एक बात सुन लीजिए अलियावर साहब, खुदा ना करे अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया ना तो मैं ताहा को नहीं छोड़ूंगी।